मेरे बोले के चाहिए हट गड्डी ले दे 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 इसको मेरे बोले के देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिशन क्लीन के तहत जितने भी नौशहरा वासी हैं या दुकानदार हैं, उनको हमने आज अपील की है एमसी नौशहरा की तरफ से कि एक तो अपनी दुकानों के आगे जितना भी कूड़ा करकट है वो आगे ना फेंकें, वो एक स्पेसिफाइड प्लेस पे रखें कि तीन बार जो एमसी नौशहरा की गाड़ी कचरा इकट्ठा करने आती है उसको हैंडओवर करें, और उसके अलावा वो अपने जो भी शटर्स हैं या जो उनकी वॉल्स हैं उनको बिल्कुल क्लीन और वाइट करें, जिससे कि शहर जो है खूबसूरत दिख सके और हम आने वाले जो बैसाखी तक जो समय है उसमें इस टाउन को बिल्कुल एक साफ सुथरा और क्लीन पेश कर सकें। देखिए, वो शटर को भी और उसके साथ जो दीवारें हैं उनको भी वाइट करने का आदेश दिया गया है कि एक शहर जो है वो क्लीन दिखे। और इसके अलावा एक और अपील की गई है कि जो दुकानदार अपना सामान सड़क की तरफ अपनी दुकान से आगे बढ़ाते हैं वो अपना सामान अंदर कर लें, क्योंकि आज इसीलिए ईओ और नायब तहसीलदार और उनके साथ दूसरे लोगों को भी भेजा गया और हर दुकानदार को ये अपील की गई कि वो अपना सामान जो है वो अपनी दुकान के शटर तक ही सीमित रखें। अगर वो उससे आगे सड़क पे बढ़ाएंगे तो कल अगर एमसी नौशहरा या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई की जाती है तो फिर वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। क्या सर? देखिए, ये इसीलिए तो आज हमने शॉप टू शॉप अपील करवाई है हर दुकानदार को कि उनका वो आज अपने आप को अंदर रिस्ट्रिक्ट कर लें। अगर वो उसके बाद अगर वायलेशन करते हैं तो फिर जो भी एक्शन होगा वो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। और किसी तरह की भी इंक्रोचमेंट अगर सड़क की तरफ किसी ने कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ दिया है, वो भी मैंने एमसी नौशहरा के ईओ को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि वो इमीडिएटली या तो दुकानदार खुद हटा लें या फिर एमसी नौशहरा ही जेसीबी से उसको क्लीन कर दे।